हेलो दोस्तों, नमस्ते। सभी विद्यार्थियों के बार बार कमेंट और मैसेज आ रहे हैं कि सर आरएएस प्री परीक्षा जो है तय समय पे होगी या नहीं होगी। इसके अलावा कई विद्यार्थी अभी तक जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या कई विद्यार्थियों ने देरी से तैयारी शुरू की है, तो क्या वो भी यहाँ पर प्री निकाल सकते हैं या नहीं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसमें आपको रामबाण औषधि बताने वाला हूं कि आप अगर उसको पढ़ लोगे जो मैं यहां पर चीजें बता रहा हूं, डेफिनेटली 100% आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो सबसे पहले अपन यहां पर बात करेंगे कि क्या आपका जो एग्जाम है वो 1 अक्टूबर को होगा या नहीं होगा। कई भ्रांतियां चल रही है मार्केट के अंदर, उसी संबंध में ये वीडियो मैं लेकर आया हूं ताकि आप अपने हिसाब से तैयारी कर सको। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखिएगा दोस्तों, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रेस नोट जारी किया है। यहां पर किसके संबंध में, जो सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसको लेकर इन्होंने बताया है कि यहां पर 48 विषयों से भी कई विद्यार्थियों ने यहां पर आवेदन कर दिए हैं, तो उनकी यहां पर जांच हो रही है और उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई की जा रही है। तो इसके संबंध में कहने का मतलब दोस्तों, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आप सोच रहे होंगे, आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम अक्टूबर में संभावित तिथि बताई गई थी। तो कहने का मतलब दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का आपका जो एग्जाम है अक्टूबर में हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद में, जैसे आरएस का एग्जाम होगा। तो यहां पर मेरे अकॉर्डिंग में आपको बता रहा हूं, बाकी जो विभाग है हो सकता है वो पहले भी एग्जाम करवा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका। अब आरएस का जो मुद्दा आपका मेन, आरएस प्रारंभिक परीक्षा का, दोस्तों आपको पता है आरपीएससी ने पहले से ही इसकी डेट बता दी थी कि भाई हम 1 तारीख को आपका एग्जाम करवा रहे हैं, 1 अक्टूबर को एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, ये आरपीएससी पहले बोल चुकी है। तो अब आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं है। आप कह रहे हो सर मुझे वहां से सूचना मिल रही है, कोई कह रहा है, कोई कहने से क्या होगा, कोई तो कह देगा कि 3 साल बाद में होगा, तो आप मान लोगे क्या? कोई कहने पर कुछ नहीं होता है, जब तक आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, नोटिस नहीं आ जाता, तब तक कुछ भी नहीं करना है, ध्यान को इधर उधर भटकाना नहीं है। अब जो अंतिम समय है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन दिनों के अंदर अगर आप ऐसी बातें सोचने लग जाओगे कि आगे जाएगा या पीछे रहेगा या कुछ भी होगा, तो फिर ऐसे प्री क्लियर नहीं होगा भाई आपका। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूं आप आराम से तैयारी कीजिए। मान लो बाई चांस आगे भी चला गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा आपको, तैयारी तो मजबूत होगी ना। इतने दिनों में ही कुछ नहीं हो पाए तो 15 दिन और सहन कर लो, क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। इसके संबंध में मुझे अब मैसेज मत करना कि सर एग्जाम आगे जाएगा या नहीं होगा, ये मैं बता चुका हूं। 1 तारीख को एग्जाम बता रखा है, एडमिट कार्ड के लिए भी बता दिया है कि हम इतने दिनों पहले 1 सप्ताह पहले जारी करने वाले हैं, तो अब आपको तैयारी जारी रखना है। ठीक है, फर्स्ट आपका ये काम हो चुका है। सेकंड में आपको बताने वाला हूं यहां पर कि जो अब है दोस्तों, आपको एक क्या रणनीति यहां पर रखना है जिसके माध्यम से आप इस एग्जाम को आसान तरीके से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कैसे? देखो दोस्तों, आरएस एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम आपको पता है ये क्वालिफाई नेचर का है, यानी आपको इसको केवल पास करना है। आपका कोई साथी आपसे 20 नंबर ज्यादा लाकर भी पास करेगा, आप उससे कम नंबर लाकर भी पास कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेंस में आपकी टक्कर होगी ज्यादा, ठीक है ना, वहां पर आपको हाई स्कोर करना है। अभी ज्यादा लोड नहीं लेना है, अभी आप सोच लो कि मैं जो है मेंस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहा हूं। अब मेंस के अकॉर्डिंग तैयारी करने का समय नहीं रहा दोस्तों, अब आप अपनी मेंस की तैयारी को थोड़ा सा साइड में रखिएगा। ठीक है, अब प्री पे फोकस करना है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा इतने दिनों के अंदर वो भी यहां पर क्लियर करेगा। मैं बिल्कुल यहां पर मेरा अनुभव बता रहा हूं 2 बार का। यहां पर दोस्तों करंट अफेयर्स पे पहले आपको ध्यान देना है और आर्थिक समीक्षा पे, ये रामबाण सिद्ध होने वाली चीजें। लगभग दोस्तों मैं बताना चाहूंगा 20 से 30 क्वेश्चन मिनिमम बता रहा हूं मैं, यहां से लेके सीधे सीधे आपके आने वाले एग्जाम में 20 से 30 क्वेश्चन पुटअप होंगे डायरेक्ट यहां से। तो दोनों को आप पढ़ लो, शुरू कर लो। करंट अफेयर्स आपको, सर मैं कहता हूं कि आपको 8 महीने से ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, मेरे व्यक्तिगत विचार बता रहा हूं, 8 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है, 8 महीनों का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। और मोस्टली जो लास्ट के 4 महीने, जैसे जो 4 महीने में जो भी इवेंट हुए हैं, ज्यादातर जो हाईलाइट होता है करंट अफेयर्स वही आता है एग्जाम में। G20 हो गया आपके, चंद्रयान हो गया, ठीक है ना, आदित्य L1 जो आपका मिशन था वो, यही आपका ज्यादातर पूछा जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन। बाकी राजस्थान के करंट अफेयर्स में आपको पता है जो महंगाई रात कैंप चला था उसकी जो योजनाएं हैं, या राजस्थान सरकार के कोई नए नए इवेंट हुए हैं, नए नए अवार्ड मिले हैं, ठीक है ना, नए कोई खिलाड़ी राजस्थान में जो इंडिया में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स आपको अब शुरू कर देना है। पॉलिटी, आप अगर टाइम है तो थोड़ा बहुत आप पॉलिटी का एमसीक्यूज देखिएगा, अब विस्तार से पढ़ने का समय नहीं है, अगर विस्तार से पढ़ोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। पॉलिटी के एमसीक्यूज देखिएगा, राजस्थान की के और अपने भारत की पॉलिटी के। इसमें भी आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आप विस्तार से भी पढ़ रहे हो तो जो आयोग है
जितने भी आयोग हैं भारत के और राजस्थान के, ठीक है ना, चाहे वो आपने आरपीएससी की बात करें, मानवाधिकार आयोग की बात करें, सूचना आयोग, महिला आयोग, ठीक है ना, जितने भी ये आयोग है ये एक बार आप देख लेना दोस्तों, इनमें से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो पॉलिटी पे भी थोड़ा फोकस करना, बाकी मैथ और रीजनिंग, मानता हूं कई विद्यार्थियों की कमजोर होती है मैथ और रीजनिंग, फिर भी आप मैथ और रीजनिंग के जो लगभग 20 क्वेश्चन आपके बनेंगे, उनमें से अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन देख के चले जाओगे, उस आधार पर ही आपके कई क्वेश्चन इसमें जो हल हो जाएंगे। मैं मानता हूं कि आप 10-12% सही कर सकते हो दोनों में आराम से, जो भी कमजोर विद्यार्थी है ना वो भी कर पाएगा, क्योंकि आपको बता रीजनिंग में दोस्तों दिशा वाले प्रश्न आएंगे आपके, ठीक है ना, ब्लेड रिलेशन के प्रश्न आएंगे, ठीक है ना, इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो आराम से कर सकते हो। मैथ में हो सकता है 3-4% आप नहीं कर पाओ, बाकी तो कर सकते हो, तो एक बार फॉर्मूले वगैरह देख लेना एक दो दिन में, क्या फर्क पड़ रहा है आपका, ठीक है। तो यहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा राजस्थान जीके जो है आपका सभी का पढ़ा हुआ है, सबका अच्छा स्कोर होता है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ कि राजस्थान जीके आपने पहले पढ़ रखा है, स्किप भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, अगर रिवीजन करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी जो ये मोस्ट सब्जेक्ट बता रहा हूँ इनमें से, और साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें, नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह देख लेना। इसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी में आपका जो पार्ट है जो करंट से रिलेटेड है वो जरूर आपका उसमें डाला जाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, साइंस टेक्नोलॉजी का करंट से जुड़ा हुआ पार्ट आपका उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। राजस्थान की पॉलिटी पे विशेष ध्यान देना, भारत की पॉलिटी में हाईलाइट मुद्दे ही आएंगे ज्यादा, ठीक है, समझ गए बात, पॉलिटी मैंने बता दी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो है गणित और रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया, अब ये जो चीजें हैं इनमें से आपके काफी सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे और इनमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं हो। आर्थिक समीकरण तो मोस्ट है भाई, इसको तो रट लेना, प्रति व्यक्ति आय हो गई, स्थिर कीमतों पर, प्रचलित कीमतों पर, कृषि के आंकड़े हो गए, है ना, जोतों का क्षेत्रफल हो गया, जोतों की संख्या हो गई, जोतों का औसत आकार हो गया, इसके अलावा आपके जो पशु गणना हो गई, ठीक है ना, आपके जो है इसके अलावा यहाँ पर जो वन रिपोर्ट है वो आप देख लेना एक बार, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों जो आपके इसके अंदर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो है आपकी पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय आपको देखना है, ठीक है ना, अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है ये देखना है, उद्योग और आपके जो सेवा क्षेत्र, कृषि सेवा और उद्योग जो आपके तीन सेक्टर है वो आपको देखना है, उनमें से कितना कितना क्या रहा था, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अगर देख लोगे तो बाकी आपका अच्छे से यहाँ पर जो है काम बन जाएगा इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है ना, ये मैं हाईलाइट बिंदु बता रहा हूँ आपको एग्जाम से पहले, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी आप राजस्थान जीके तो आएगा आएगा बहुत ज्यादा, तो सभी विद्यार्थियों का अच्छा है। अब दोस्तों आपको ज्यादा ज्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना, आपको प्रैक्टिस के लिए हम आपके लिए एक शानदार यहां पर लगभग दोस्तों 150+ टेस्ट हम आपको दे रहे हैं अभी अंतिम समय में, 150+ टेस्ट, ठीक है ना, नजदीक एग्जाम है, 150+ टेस्ट मिलेंगे, सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे इस टेस्ट के अंदर, यानी एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा, आप जाके पहले देख लेना, बाद में परचेज कर सकते हो आप, एक भी टॉपिक हमने नहीं छोड़ा है। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या भी मिलेगी, अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप क्लियर कर सकते हो फ्री इस टेस्ट के माध्यम से, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो चाहे इंडिया ज्योग्राफी हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सारी चीजें डाल रखी है इसके अंदर, ठीक है। आप जाइए और प्राइस नाम मात्र की दोस्तों ओनली 199 रुपए में कोई नहीं दे पाएगा, हजार रुपए टेस्ट चला रहे हैं और वही क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई नहीं कि दूसरी दुनिया के क्वेश्चन है, ठीक है। तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और स्टडी विद एमके प्ले स्टोर से कर लेना, दावे के साथ कर रहा हूं एग्जाम में यहां से प्रश्न आपके 100% आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। आप उसको आराम से अभी सबमिट करके आप उनको रीड भी करोगे तो भी फायदा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, बाकी और कोई डाउट हो तो बता देना, अन्य प्रकार के कोर्सेज भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और ये जो मैंने आपको रणनीति बताई है अच्छे तरीके से, ये हाईलाइट टॉपिक है साइंस टेक्नोलॉजी, इसलिए मैं इसमें नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि दोस्तों आपको पता है साइंस टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स के अंदर ही थोड़ी बहुत इंक्लूड आपको मिल जाएगी। इसके अलावा लूसेंट, एक चीज और बता रहा हूं, लूसेंट की जो बुक है वो आपको क्या करना है दोस्तों, लूसेंट की जो बुक है, लूसेंट बुक एक बार आपको देख लेना है मात्र। आप अगर आपने पहले इंडिया जीके वगैरह पढ़ा तो 1 घंटे के अंदर उसमें 4-5 टॉपिक है, 4-5 सब्जेक्ट है, एक तो दो भारत का भूगोल थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें वन लाइनर चीजें दे रखी है और टाइम ज्यादा नहीं लगेगा उसमें। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी आप देख लेना, ठीक है ना, विश्व भूगोल के 4-5 क्वेश्चन आएंगे, विश्व भूगोल, ठीक है,
ये दो तो आपको देखना ही है भूगोल के संबंध में। यहां से प्रश्न में भारत का इतिहास स्किप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको पढ़ना है, भारत का इतिहास देखना है, तो मॉडर्न हिस्ट्री आप देख सकते हो थोड़ी बहुत, ठीक है। 3-4 पेज है लुसेंट के, उनमें से क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां से ये मैंने डेटा बताया, अब विस्तार से पढ़ने का समय नहीं है, मोटे मोटे ग्रंथ रखने का समय नहीं है। एग्जाम तय तिथि पे होगा, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी जारी रखें। 99% चांस है, फिर भी अगर 1% हो जाता है तो विभाग के हाथ में भाई, कल को आपकी तैयारी अच्छी होगी, ये नहीं कि आपको समय खराब होगा। मान लो कि मैं आज बोल दूं एग्जाम नहीं होगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मान लो आप पढ़ाई छोड़ रहे हो और फिर बाद में एग्जाम हो जाए, तो आपको कितना बुरा लगेगा, कितना आपके साथ में नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए कहीं भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूट वाला हो या कुछ भी हो, आपको ये नहीं कह सकता बिना तथ्यों के आधार पर कि आपका एग्जाम आगे जाएगा, ठीक है ना। अब वो जाना नहीं जाना विभाग का काम है, ठीक है ना। लेकिन ये चीजें मैंने आपको बता दी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद एनके के नाम से, वहां पर भी आपको डेली अपडेट हम दे रहे हैं दोस्तों। तो फिलहाल के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।